Today, we have called you all here for a program. This program is what I call as the Work It program. Okay? It may not be as exciting as Pushpa. But believe me, at the end of the program, you will go home a little lighter in the head and you will turn back and say that these programs are what we should conduct regularly and frequently in our school. I'm not going to take a long time to speak. And I'm not even going to talk to you about how great this man in a blue suit is, okay? Because you have to recognize an individual later on. And if you want, we'll read his bio data after the program is over. We'll change it a little. But you would not require his bio data, I feel. Okay? But this man does a lot of work in the rural area in Maharashtra. Lots of charity work in Maharashtra. He is a very, very talented singer and he's a little more quiet. Johnny, yes, Papa? Okay, Chini Gaki Sunay. Sabta ke sound check kar rahe hain. Yes. 1, 2, 3, start. पोएम जो थी आप मुझे सिखा रहे थे या गा रहे थे? गा रहे थे. ओके, तो गाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि गाने में क्या एक्सप्रेस करना है. अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जाऊं और मैं कहूंगा उसको क्या होगा, वो आप बोलेगी गोलियां खत्म हो गई तेरी गोलियां लगी. म्यूजिक क्या है? आपके अंदर जो चीजें हैं आपको जो बताना है वो एक्सप्रेस होना चाहिए कि क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो. ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए ना. अब ये आपको हो क्या रहा है? मैंने आपको बोला जॉनी जॉनी यस पापा गाओ. उसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक थे जॉनी और एक थे इसके. आप दोनों की लाइनें सही भी बोल रहे हो. जॉनी जॉनी यस पापा, इट इज यू कैन नो पापा, टेल इन लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ. हां, यहां पे दो लाइनें तो हीरो की लाइन भी वैसे और हीरो की लाइन भी वैसे वहां पे चल रहा है. जॉनी जॉनी पापा गुस्से में आए हैं और जॉनी शुगर खा के बोल रहा है कि हाँ ये पापा जैसे मैं खरी नहीं. ऐसे हो रहा है ना. म्यूजिक इज अबाउट एक्सप्रेशन, कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो उस संगीत के साथ. सो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइ नो पापा, ओपन योर. और उसके बाद जो भी होगा. अब फिर से ट्राई करके. ओके, तो वो गर्ल्स है ना वो सब जॉनी और आप लोग हो उनके पापा. ठीक है, तो पहले पापा गुस्से में आए हैं, गुस्से में उनसे पूछेंगे. 1, 2, 3 गो. हमारे अंदर जो है गुस्सा, जो है प्यार, जो है संशय, जो है लाज,
लालच, ये सभी हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा स्वार्थ, हमारी बुरी आदतें, ये हमारे दुश्मन नहीं है। इनसे दोस्ती करोगे तो इनका यूज कर पाओगे अच्छे कामों के लिए। लड़ाई करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन गलत कामों को, गलत कामों के खिलाफ लड़ाई करना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना, अभी तो बुरी बात कह रहे थे, अभी अच्छी बात हो गई। समझिए, आपका क्रोध जो है, आपका गुस्सा जो है, वो अच्छा है, लेकिन कब? जब आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। आपके अंदर जो भी चीजें है वो अगर आपको यूज करनी आ गई ना, अच्छे से इस्तेमाल करनी आ गई, जो आपके ऊपर स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा बर्डन है, उस बर्डन को, स्ट्रेस को अगर यूज कर पाए तो वही बर्डन, वही स्ट्रेस आपके लिए सक्सेस देगा। लेकिन यूज करने का स्किल नहीं है तो फिर परेशानियां बढ़ती रहेगी। हम इस पूरे सेशन में हमारे अंदर के आकार और विकारों को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीजें जिसे दोस्ती करने से हमारा फायदा है। मैंने अभी अभी आपको कहा जॉनी, जॉनी यस पापा, तो जॉनी के पापा का गुस्सा आपको पता नहीं है क्या? जरा आपके पापा का गुस्सा याद करके देखिए, आपके पापा गुस्से में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। मम्मी का गुस्सा देखो कैसे होता है, देखो बोलो, और पापा का गुस्सा सिर्फ आगे दिखाई तो समझ में आ गया। तो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, गुस्से के भी बहुत सारे फिल्टर्स है, सही है कि गलत है? कितना गुस्सा आया है ये भी आपको समझ में आता है। अभी जॉनी के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में है, देखते हैं हम जॉनी के पापा कितना गुस्सा दिखाते हैं। ओके, 1 2 3 गो। इतने प्यारे पापा को कहीं पे भी नहीं मिला। चलो हम गर्ल्स के साथ देखते हैं। अभी आप जॉनी और वो आपके पापा, रेडी गर्ल्स? जरा बच्चों को, बच्चों को बॉयज को दिखाओ गुस्सा क्या होता है। सैंडल वाटर बेटी मत करो, सिर्फ संगीत के सहारे हम इन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। 1 2 3 गो। अभी जॉनी जो है ना बहुत अनफिट है, कृष्णा के जैसा ही है, ऐसा सब कुछ काट करके बेटर होता है कि मेरे कुछ किए नहीं। ओके, तो आपको इमोशंस यूज करना है। आपको पता है इमोशंस क्या होता है? पक्का? ओके, तो वो जितने गुस्से से बोलेंगे उतना ही प्यार से हमें पूछना है। देखिए, अगर समझिए कि घर में माँ बहुत परेशान है, आपसे बहुत गुस्से में है, और उसने कुछ आपको बोल दिया, आपकी गलती भी नहीं है पर फिर भी आपको डांट दिया, तो आपने भी उतने ही गुस्से में जाकर उसके साथ झगड़ा शुरू किया, तो क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा कि माफ पड़ेगी? तो दूसरे का गुस्सा आपके स्वार्थ के लिए कैसे कन्वर्ट करना है, ये कला है नहीं? जो आप लोग इनको गुस्सा देंगे और ये आपको प्यार देंगे, इमोशन आपको इनोसेंस कन्वर्ट करके दे देंगे। गर्ल्स, आपको उनको रिप्लाई करना है यस पापा, बहुत प्यार से। 1 2 3 गो। जॉनी, जॉनी। अरे यार, और ज्यादा प्यार होना चाहिए, यस पापा। ओके, मैं हमारे स्कूल में ना कभी कभी चलता है, कोई तो ना प्रेयर शुरू हो जाती है, आपको हो जाए कि बात नहीं होती है, प्रेयर शुरू हो जाती है, इतनी शक्ति हमें देना मन का विश्वास जोर जोर।
नोटबुक और पेन के साथ बच्चे आने चाहिए, लेकिन नोटबुक पेन रह गए हमारे। चलो आपके दिमाग में लिख के रखिए, संगीत शब्द की व्याख्या क्या है। गीत के दो भाग होते हैं, दो पार्ट, एक है गेय और दूसरा है अर्थ। समझे कि मेरे पेट में दर्द है और मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो मैं कैसे कहूंगा मेरे ना पेट में दर्द है, चलेगा? मेरे पेट में दर्द था इसके लिए होमवर्क नहीं किया, ये देखिए। और पार्ट में पेट में दर्द था, या फिर मेरे पेट में दर्द था, तीनों में वर्ड वही है, लाइन वही है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संगीत चेंज हो रहा है। गीत में दो पार्ट होते हैं, एक होता है गेय यानी कि आचरण, दूसरा होता है अर्थ यानी कि विचार। जब आचार और विचार इन दोनों में बैलेंस आ जाता है तो सौंदर्य क्रिएट होता है। मैं अगर कहूंगा मैं अच्छा बच्चा हूँ और सिर्फ सबको परेशान करते रहूंगा तो मेरी लाइफ सौंदर्य नहीं क्रिएट करेगी। मैं खुद को बोल रहा हूँ मैं बहुत सिंसियर हूँ, वहां मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं कितना सीरियसली ये सब कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर वैसे नहीं होगा मेरे से तो इसका मतलब मेरी लाइफ सौंदर्य ब्यूटी क्रिएट नहीं करेगी। तो आपका जीवन संगीत तब बन सकता है जब आपके आचार और विचार इन दोनों में बैलेंस हो। मैं हर एग्जाम को कहता हूँ कि नहीं अब ना नेक्स्ट ईयर में एकदम जीरो चांस से पढ़ाई करूंगा, इस साल ऐसे भी करके पास होना है, फिर नेक्स्ट ईयर वही अब शुरू हो जाता है। नहीं अभी ना जून है ना, जुलाई से पढ़ाई चालू करूंगा, अभी भी तो स्कूल है ना, फिर जुलाई आता तो बोलते नहीं अभी ना 15 अगस्त हो जाने दो, उसके बाद एकदम फाइनल तैयारी करेंगे, फिर अगस्त चला जाता है बोलते 26 जनवरी। ऐसे होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि परिवर्तन ये कुदरत का नियम है। चेंज हा नैसर्गिक बदल आहे तुमच्या आयुष्यात। तुम्हाला जर रोज सांगितलं मेथीची भाजी चांगली की वाईट, आता रुपयाचं उत्तरच नाही, ठीक आहे। आता रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ तिन्ही वेळेला मेथीची भाजी खायची एक महिना भर, ओके। गुलाबजाम अच्छा या बुरा? अच्छा, तो एक गुलाब जाम खाएंगे कितना अच्छा लगेगा? इतना, ओके। दूसरे गुलाब जाम खाने के टाइम पे 100% ही होगा या 90% होगी खुशी? और 10 गुलाब जाम खाने के बाद खुशी कितनी होगी? 200 गुलाब जाम खाने के बाद तो आपकी खुशी जो है वो बदलती रहती है। आपको लगता है कि पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी मौका आता है, ऐसा भी माहौल बन जाता है कि जब आपको पढ़ाई पसंद नहीं होती, या फिर ऐसा माहौल आ जाता है कि पढ़ाई तो पसंद है लेकिन करने का मूड नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन आप में से कभी आती है किसी के ऊपर? सर मुझे तो अंदर से लगता है पढ़ाई करनी चाहिए, मैं क्या थोड़ा भी परेशान करने के लिए बैठा हूँ मम्मी पापा को, मुझे भी मेरी करियर की पड़ी है। जब क्लास में बाकी के बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी मिलने चाहिए। सबके पास सेम दिमाग है, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी ये जो प्रायोरिटीज है ना, या फिर ये वर्क एफिशिएंसी है ना, वो कम ज्यादा होने लगती है और उसका रिजल्ट आता है हमारे लीडरशिप का। तो हमें क्या करना चाहिए? ये वर्क एफिशिएंसी, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, ये हमारी कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखे, कैसे अपडेट करें, उसके स्किल दिमाग को सिखाने चाहिए। साइकिल कितने लोगों को आती है? चला अरे इतने हाथ ऊपर कि मुझे सवाल उल्टा कर देना चाहिए, नीचे कर दीजिए। साइकिल कितने लोगों को नहीं आती है? वेरी गुड, तो सभी लोगों को साइकिल आती है। मैडम को नहीं आती है? मैडम ने हाथ ऊपर किया। मैडम आती है साइकिल? आती है, वेरी गुड, क्या बात है। बात यहाँ पे चल रही है कि साइकिल चलाते वक्त जब शुरुआत में फर्स्ट डे आप साइकिल सीख रहे थे तो पैडल मारते थे तो हैंडल पकड़ना प्रॉब्लम हो जाता था, है ना? हैंडल पकड़ते तो पैडल मारना और हो जाता था, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि दिमाग ने वो सॉफ्ट स्किल एडॉप्ट नहीं किया था। एक दिन बाद, दो दिन बाद, चार दिन बाद जब दिमाग ने उसको अडॉप्ट कर लिया, अपडेट कर लिया खुद को, अब हम साइकिल
जाते हैं, साइकिल चलाते थे, क्या क्या बहुत बहुत ऐसे भी है कि वो मोबाइल निकाल के मैसेज भी टाइप कर देते हैं, आप लोग 2 मिनट का इसे रख के एक हाथ से साइकिल भी चला लेते हैं। हाँ काय जरूरत है माला 4 बोले था मोटी मोटे त्याच्यामुळे पटकन दिसतो मला कोण बोलतोय ते, आणि मग जर मी अपमान केला तर किती लोक हसतील तुमच्यावर, त्याच्यामुळे जे बोलायचं ते माझ्याशी बोला म्हणजे मी कोणाचा अपमान करणारच नाही, ठीक है ना। यहाँ पे बात चल रही है कि हम साइकिल चलाने की कला जब तक दिमाग में अपडेट नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे, तब तक दिमाग डिपेंड रहेगा उस एक्टिविटी पे। पढ़ाई करने की कला अगर हो और डायरेक्ट बोली जैसे खाते हैं हम, जैसे पढ़ाई करने की कला अगर दिमाग को दिमाग में अपडेट हो जाए तो पढ़ाई करने के लिए अलग समय निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, अलग एफर्ट्स देने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप अभी मोबाइल अलग आईफोन कितने लोगों के पास है, आईफोन कितने लोगों ने हैंडल किया है अभी तक, आईफोन सब ने ओके, एंड्रॉइड कितने लोगों ने किया है, मुझे बताइए जब आप एंड्रॉइड यूज कर रहे थे उसके बाद जब आईफोन आपने हाथ में लिया तो तुरंत आपको सब कुछ समझ में आ रहा था नहीं, कुछ चेंजेस हो रहे थे। अब आप आईफोन जब रेगुलर यूज करने लगे हो तो अभी तुरंत दिमाग पहचान लेता है कहां से बैक, कहां से जूम, कहां से इन, कहां से आउट, अपने आप होता है कि नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो स्किल दिमाग ने अपडेट कर लिया। दुनिया की किसी भी पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, मराठी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, जो भी कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं वो सब्जेक्ट सीखने के लिए दिमाग में सिर्फ 2 एप्लीकेशन जरूरी होते हैं, कितने? एक होता है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा होता है क्रिएशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी जो आप मेरे से अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो उसके लिए भी सामने वाले जो बैठे बच्चे हैं यहाँ पे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन है कि यार ये ढापने आया तो मुझे पता नहीं सर बोलता तो प्यारी प्यारी बातें है कि ये ऐसे ही बोर मारता रहे तो कुछ गाने वाने भी बजे, मेरी बात भी सुन रहे हैं और दिमाग में नेक्स्ट लेवल पे कुछ अलग विचार भी चालू है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? अरे वाह प्रामाणिक बच्चे है, अच्छी बात है। हम बात तो कर रहे हैं कि दिमाग में दूसरा भी एक फिल्टर चालू है और उसपे ये सभी बातें भी हो रही है, ये दाढ़ी वाला अच्छा दिख रहा है, वो गीता वाला है, वो तो अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, ये सब हमारे दिमाग में उलट पुलट सब सब चलते रहता है। मैडम जब आती है ना, बच्चे लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती है कि मैडम आती है क्लास में और सिखाना सब्जेक्ट सिखाना शुरू कर देते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने ये बताया वो बताया, और हमारा ध्यान कल वाली साड़ी अच्छी पहनी थी दिमाग में, इससे भी बुरा, इससे भी बुरा एक आध कोई दाढ़ी वाले सर आ गए ना क्लास में तो हमें वो पुष्पा याद आने लगता है, पढ़ाई चल रही है लेकिन दिमाग अलग अलग फिल्टर्स पे काम कर रहा है। तो ये है क्या कि हमारा दिमाग जो है बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग फिल्टर्स पे वर्क करता है, आपको जब तक उसको अपडेट करना नहीं आता तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसको अपडेट करने के लिए बेसिक एक्सरसाइजेस है कॉन्सेंट्रेशन और क्रिएशन। मेरी आप बात सुन रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, हाँ 20% दिमाग यहां वहां दौड़ रहा है लेकिन 80% तो कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने का स्किल सिखाएंगे तो दिमाग हर जगह पर वो कॉन्सेंट्रेशन का स्किल यूज करेगा। कितने लोगों ने बाइक चलाई है, टू व्हीलर, ओके, होंडा की चलाई है, बजाज की, अपाची, ओके, तो आपको क्या लगता है एक बाइक छोड़ के अपनी दूसरे कंपनी की बाइक यूज करेंगे तो फिर से नया स्किल अपडेट करना पड़ेगा? क्यों, आप क्यों शिफ्ट कर लेते हो? बाइक चलाना आ गया यूनिवर्सल, कोई भी बाइक चला दो, स्विमिंग करना आ गया तो कहीं भी डाल दो मुझे स्विमिंग करना आ जाता है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि आपका दिमाग इतनी अच्छी मॉड्यूल है इसके लिए कि उसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का उसकी एबिलिटी जो है वो बढ़ा दो,
कि वो हर एक चीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, मस्ती करने में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, किसी की लेनी है तो भी कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, किसी को देनी है तो भी कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, कौन से क्लास के बाद उसको धोना है वो भी हमें पता होता है, फिर फोन करके रखेंगे, मैसेज आ कर रखेंगे, आजा उसको आज बाहर पकड़ना है रिसेस में, वो मैडम जब जाते हैं तो उस पेड़ के पीछे उसको पकड़ेंगे, हम रोकते हैं उसको। कॉन्सेंट्रेशन क्रिएशन ये हर कामों के लिए जरूरी चीज है। मां मुझे बताइए पबजी खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन आवश्यक है कि नहीं? हम पबजी खेल रहे हैं और कोई दिमाग चाह रहा है अरे वहां से मार यहां से मार, वो देखो वो देखो अबे आ गए तेरे को अभी शिकर भी नहीं, अरे तू झूठना नहीं खेल रहा हूं भाई। कॉन्सेंट्रेशन आपके लाइफ की हर पढ़ाई के लिए हर सक्सेस के लिए आवश्यक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपके पास कौन सा एप्लीकेशन है? आपका दिमाग आईफोन का है कि नोकिया का है? दीवार को पटक के देखो, टूट गए तो आईफोन का भाई, टूटा तो नोकिया है। ये कितने हजार का है? कितने हजार का है? यूजलेस क्या बोला? प्राइसलेस। ओके, तो इसमें अगर बेसिक एप्लीकेशन है, मेरे पास आईफोन है, सोचिए ये आईफोन है मेरे पास और इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ना इसमें फोन लगते हैं, ना इसमें फोटो निकलते हैं, ना इसमें गाने बजते हैं, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, इसकी प्राइस क्या होगी? यूजलेस। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक एप्लीकेशंस नहीं। चलो एक एप्लीकेशन बढ़ गया, आईफोन है और इसमें इंटरनेट वर्क करता है, प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? अब इसमें फोन भी लगने शुरू हो गए, प्राइस कम होगी कि बढ़ेगी? अभी इसमें अच्छा वाला कैमरा भी आ गया है। जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू एड होती जाएगी। ये मोबाइल आपका जो प्राइसलेस है, इसके बेसिक एप्लीकेशन कौन अपडेट करेगा? कैसे? पढ़ाई करके ऐसे मत बोलो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करना ये तो बात का सॉफ्ट स्किल है, पहले एप्लीकेशन ही नहीं है तो बात के सॉफ्ट स्किल्स कैसे अपडेट होंगे? एप्लीकेशन क्या है? यस, मैं छोटा सा डेमो देता हूं, तब तक आप सोचते रहिए। आजा करे फिर वही शरारतें,
मागे आपण बघायला तुम्हाला व्यवस्थित आवाज येतोय की नाही. आता तुमचा आवाज पण माझ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, चुरगुळ चुरगुळ असं नाही तर व्यवस्थित आवाज पोहोचला पाहिजे. तर आपण कम्युनिकेट करू ना, एक कंट्री जे बोलत राहतात तिथे संवाद होतो का नाही, दोन्ही बाजूंचं बोलणं समजलं पाहिजे तर संवाद होणार. मला तुमचा आवाज ऐकायचा आहे आता.
ठीक तरीके से याद रखिए ये क्या ऑपरेशन है। आपके बाप को दे दीजिए आईफोन, बोलेंगे मुझे आता ही नहीं है, या फिर दादी माँ को दे दीजिए एंड्रॉइड फोन, बोलेंगे नहीं मुझे आते, वो व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा ये वो कौन करेगा उसे, तो हम अच्छा क्यों, वो पहला कदम ही नहीं उठा पाती तो उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या फोन में। उस आपका कॉन्सेंट्रेशन तब स्टार्ट होता है जब आप एक पॉजिटिव कदम उठा लेते हैं, और ये पॉजिटिव कदम तभी उठेगा जब आप अपनी दीवारों को तोड़ने की कोशिश करोगे। हमारी हम जैसे जैसे उम्र से बढ़ने लगते हैं ना, जैसे जैसे स्टैंडर्ड से बढ़ने लगते हैं ना, जैसे जैसे पेमेंट से पगार से बढ़ने लगते हैं ना, वैसे वैसे आस पड़ोस में दीवारें बांध देते हैं, शर्म की, हया की, डर की, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कोई मुझे हंसेगा तो नहीं, और मैंने क्यों करना चाहिए वो करेगा ना। ऐसी एक दो दीवारें नहीं, कम से कम 7,000 दीवारें होती है हमारे आस पड़ोस में। कितनी? 7,000। आप मुझे बताइए इतनी दीवारें होने के बाद क्या आप किसी के साथ कनेक्ट कर पाओगे? ये दीवारें कौन तोड़ेगा? नरेंद्र मोदी। कौन तोड़ेगा? कैसे? आपको मैंने गाने के लिए बोला, बहुत सारे बच्चों को तालियां पीटने के लिए, और तालियां भी नहीं मिल रही, इनकी ताली बजाने के लिए कोई बाहर से मिनिस्टर आने वाला है जो इनके हाथ लेगा और तालियां पीटने को कहेगा? आप मुझे बताएं, बीमार आदमी तालियां बजाता है या खुश? तो जो तालियां नहीं बजा रहे वो कौन है? बीमार है, यानी गुनहगार नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं ना कहीं पे तो थोड़ी सी अंदर में एक बीमारी होती है, वो बीमारी है हमारी निगेटिव अप्रोच की। अगर आप मेरे सामने यहाँ पे कुर्सी डाल के ऐसे बैठ गए, ऐसे मुंह लटका के बैठ गए, अभी बता भाई क्या जमाना चल रहा है, तू बोल दे अभी। अगर आप ऐसे मुंह लटका के बैठ गए तो क्या लगता है आपको, मैं आपको कुछ अच्छी बातें सिखा के जाऊंगा यहाँ से? आप अपने क्लास में जब बैठते हो, टीचर्स आती है तो आपका मुंह अगर लटका रहेगा तो क्या वो आपको खुशियां देके जाएगी? हम नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसके ऊपर स्क्रीन सेवर सेट करते हैं ना, क्यों? जब जब वो मोबाइल ऑन होगा तो हमें प्रसन्न लगना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपका ये मोबाइल है ना, ये भी यहाँ पे डेस्कटॉप पे स्क्रीन सेवर रखता है, आपका स्क्रीन सेवर जरा याद करके देखिए, आपका दिन भर एक ही स्क्रीन सेवर होता है कि चेंज होते रहता है? घर पे आते वक्त, स्कूल में जाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, दोस्तों के साथ, आप घर पे जा रहे हो और मम्मी पापा यार राह देख रहे हो, आप घर पे जाते जाते गाने सुनोगे, कौन सा स्क्रीन सेवर ओपन हो जाएगा? बात समझ में आ रही? लोग आपको परेशान करते हैं या फिर आपकी इज्जत करते हैं किस वजह से? आपका स्क्रीन सेवर कौन सा ओपन है? आप इंस्टा पे अकाउंट ओपन करते हैं या फिर और कहां पे, ट्विटर पे कितने लोग हैं, या फिर ट्विटर पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं? आप जब कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे गंदी जो आपकी फोटो है वही रखते हैं ना अकाउंट प्रोफाइल पे, कौन सी रखते हैं? क्यों? खुद के मोबाइल से नहीं निकलते तो दूसरे के मोबाइल से निकलवा लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पूरा जमाना आपकी प्रोफाइल फोटो देख के आपको रिस्पेक्ट करने वाला है। आपको लोग कब फॉलो करेंगे? जब आपकी प्रोफाइल फोटो अच्छी होगी। क्या करते हैं आप दूसरों को फॉलो करते हैं? तो किसी को भी फॉलो करते हैं या फर्स्ट इंप्रेशन देख के ही फॉलो करते हैं, या कुछ तो एजल अकाउंट में जाके देखते हैं उसने क्या क्या पोस्ट की है, क्या क्या मस्ती करता है, क्या क्या कहां कहां पे घूमता है, ये सब चेक करते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं ना। लोग आपको कब फॉलो करेंगे? कब फॉलो करेंगे? जब प्रोफाइल फोटो अच्छी सेट होगी। तो हमारी प्रोफाइल फोटो पैरेंट लवली से आती है या अंदर की खुशी से है? पक्का? तो ये अंदर की खुशी लाने के लिए क्या आप एक कदम बढ़ा नहीं सकते आगे? ये अंदर की खुशी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये खुशी या बीमारी जो जो भी कहा ना, मेडिकल साइंस कहता है कि जब तक आपके दिमाग से एंडोर्फिन, एनकैफेलिन, सीरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स नहीं आते तब तक आप खुश नहीं हो सकते, तब तक आपको अच्छा रिफ्रेश नहीं लगता।
अगर बातें 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 सुनते रहेंगे कंसिस्टेंटली, वही अगर कंटिन्यूअसली बातें सुनेंगे ना, तो भी आप इरिटेट हो जाते। क्यों? क्योंकि ये डोपामाइन और एंडोर्फिन इनके बीच खत्म होने लगता है, बैटरी उतरने लगती है और हम मोनोटोनस हो जाते हैं, बोलते यार अभी पकाओ बस हो गया इसका। ये क्यों होता है? क्योंकि जब जब दिमाग ये हार्मोनल चेंजेस को स्टॉप कर देता है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग से इन एंडोर्फिन, एनकैप्सुलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को बाहर निकालने के लिए, आपकी बॉडी में यूज करने के लिए, एक तो अच्छे गाने गा सकते हैं या 200 रुपए की दवाई खा सकते हैं विद साइड इफेक्ट। क्या करना है आजकल? ये बहुत सारे हीरो हीरोइन लेके सुसाइड करके मर जाते हैं, पढ़ा होगा आपने टीवी पे न्यूज़पेपर में। हमें रात रात भर शूटिंग करनी पड़ती है, कैमरा को कभी भी फेस करना पड़ता है, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। मार्केट में भी जाएंगे तो भी लोग फोटो खींचते हैं, तो हमारा प्रोफाइल पिक्चर रिफ्रेश होना चाहिए या थका हुआ? तो ये फ्रेश प्रोफाइल फोटो दिखाने के लिए मुझमें सेरोटोनिन डोपामाइन चाहिए। हर एक आदमी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी ना, कभी तो कभी तो थक जाएंगे, और उस हालत में अगर फोटो निकलवा दी या फिर सेरोटोनिन डोपामाइन है ही नहीं मेरे अंदर, तो ये फ्रेशनेस आएगी कहां से? फिर हमें दवाइयों की आदत लगने लगती है, आजकल उसी को ड्रग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स लो और थोड़ी देर के लिए एकदम प्रसन्न हो जाओ। उसको कहते हैं SSRI, सेरोटोनिन को बैलेंस रखने वाली ट्रीटमेंट। ये 3-4 महीने तक तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन क्या एक मूवी का शूटिंग जो है वो 3-4 महीने में खत्म हो जाता है तो दूसरी मूवी नहीं करते आप? साल भर में कितने समय तक सिर्फ फ्रेश रहना है? 3 महीने या 4 महीने? क्या आप दिन भर फ्रेश दिखते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेरोटोनिन डोपामाइन की मात्रा को लिमिटेशन है, तो इनको बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो सुशांत सिंह जैसे टैबलेट शुरू कर दो, या फिर और भी कुछ आदत है। अगर आप अपने मम्मी या पापा को गले लगाते हो 20 सेकेंड के लिए, कितना? अगर आप अपने मम्मी या पापा को 20 सेकेंड के लिए गले लगाते हो, तो 20 सेकेंड में आपका दिमाग इतना डोपामाइन इंक्रीज कर देता है कि आप 6 घंटे तक रिफ्रेश रह सकते हो। तो एक तो 2 घंटे के लिए 200 रुपए की दवाई खाओ विद साइड इफेक्ट, या मम्मी पापा को गले लगाओ। क्या आसान है, लेकिन फिर वो 60,000 दीवार है। अभी भी तो मैं बड़ा हो गया और मेरा बाप हिटलर है, उसको कौन गले लगाएगा? हमारी दीवार है, हमारी सोच है कि मैंने क्यों तालियां पीटनी चाहिए, मैंने क्यों स्माइल करना चाहिए, मैंने क्यों हंसना चाहिए, मैंने क्यों ये करना चाहिए, मैंने क्यों वो करना, मुझे तो आता ही नहीं, मेरी आवाज तो गंदी है। किसने कहा कि ये आवाज गंदी है? तुझे खुश होने इतनी अच्छी आवाज भगवान ने दी है, इसके लिए बाथरूम में जाता है ना, तू क्या किशोर कुमार की आवाज में नहीं गाता है? क्यों खुश होते हो गाते वक्त? क्योंकि खुद को खुशी मिले, इतनी तो आवाज हर एक को मिली है। छोटा बच्चा भी लगा आई भोला लाल तू दिमाग मर जा, अरे हम तेरी आवाज को सुना तो आपको तात्पुर लगू। समझिए ये स्पेशल चीज है कि आप सब में आवाज है, उस आवाज को यूज करेंगे खुशियों के लिए तो खुशियां बनेगी, या फिर उसी आवाज के बहाने बनाओ और लाइफ टाइम तक निगेटिव ही रहो, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे को 2 साल पहले सर पे गाने की कोशिश की थी, सब बच्चे मुझ पे हंसे थे, तो अब क्या किताब इतनी आपके ऊपर है, डिस्कवरी चैनल पे भेजना है आपको। क्या करना है भाई, एक दो लाइन गाके पर खुशियां मिल रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो क्यों नहीं करते? ये सिर्फ हमारी अभी की बात नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दीवारें बढ़ती जाती है। और अभी भी इंजीनियर बन गया, अभी मैं प्रोफेशनल बन गया, अभी ये कुछ नहीं है। जब बीमार पड़ते हो तो फिर से इंसान ही बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर चाहे मंत्र प्रधान का हो या किसी चपरासी का, सभी का शरीर हार्मोनल चेंजेस की वजह से चलता है। ये हार्मोनल चेंजेस करने के लिए हम डॉक्टर्स बहुत होशियार होते हैं, क्या करते हैं, आपके लिए नई नई एक्टिविटी बनाते हैं। आप दुनिया के किसी भी अस्पताल में जाइए और वहां पे चेक करिए, सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता है, पेशेंट की ट्रीटमेंट के ऊपर या हॉस्पिटल के सेटअप के ऊपर? क्यों भाई,
मेरे पास 10 नर्स है ना, तो उसमें जो अच्छी दिखती है, जो भी चिट्ठी है, अच्छे कपड़े पहनती है, मैं उसी को बाहर बिठाता हूँ देखिए रिसेप्शन में। हाँ ज्यादा पटली ऑब्जर्वेशन चाहिए, और वो भी आने के बाद पूछती है कहाँ कहाँ होते तुम्हारा काका आते बने जीते। कारण तिचा शब्द पाठवे तुमच्या हार्मोनल चेंजेस करायचे। अभी दुनिया का कोई भी डॉक्टर इन्हीं हार्मोनल चेंजेस के वजह से 92% आपको रिजल्ट देता है। कितने? सिर्फ 8% रिजल्ट जो है वो दवाइयों से आता है, और 92% रिजल्ट उसके बिहेवियर से, उसके विश्वास की वजह से, पॉजिटिविटी के वजह से, एम्बियंस के वजह से आपको 92% इफेक्ट आता है। आप घूमने के लिए जाते हो, पिकनिक के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए, तो किस चीज के पैसे भरते हो, दाल चावल के या एम्बियंस के? क्यों भाई? खाने के लिए बाहर जाना है तो खाना घर में भी मिल जाता है, फिर बाहर भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनके वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अरे यार नहीं, वहां पे खाने का एक फील है भाई। शर्ट तो कोई भी पहन सकता है, कोई का भी चलेगा, लेकिन अच्छे ही ब्रांड का शर्ट क्यों चाहिए? फील के लिए। लेकिन जितनी फीलिंग्स को ही दीवारें बांध दी गई है, वो कैसे फीलेंगे? जितना भी ब्रांड का उसको पहना हुआ पत्थर का पत्थर ही रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको फील लेने के लिए सिखाने की जरूरत है। चलिए एक कोड़ी करी आ रही इकड़े। अभी मैं आपको आपके आस पड़ोस में जो बेटा है उसके साथ ये करना है। हंसना मत, सिर्फ करना है, सिर्फ ऐसे हाथ घुमाओ बाहर। ऐसे पकड़ो, चलो क्या सेम फील है? ऐसे करो, चलो क्या सेम फील है? चलो प्यार से विश्वास के साथ एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो। ओके, आपने एक दूसरे को बहुत बार टच किया, ठीक है, आपने एक दूसरे को बहुत बार टच किया। अभी आपको करना यही है, एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके बैठना है, कुछ भी करना नहीं है। देखो मस्ती बात में मुझे अगर कोई दिखाई दिया मस्ती करते वक्त या फिर पागल जैसे हंसते वक्त, तो मैं पनिश करूंगा फिर। हाँ, तो आंखें बंद करनी है और सिर्फ हाथ हाथ में लेकर बैठना है। कुछ भी मस्ती मत करो, ज्यादा दवा ना या फिर और व्यक्त करना, बाद में मस्ती करेंगे। Yes, तो आपको सिर्फ हाथ हाथ में लेकर बैठना है, आंखें बंद कर देनी है सबको। Yes, close your eyes. भाई साहब close your eyes. कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ हाथ हाथ में लेके बैठे हैं और फील करना है जो हाथ हाथ में है उसके एक्सप्रेशंस है, उसको टच थेरेपी कहते हैं। याद रखिए, आपको पूरी लाइफ में ये टच थेरेपी मदद करने वाली। क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील इट। आपने दूसरे का हाथ हाथ में लिया है, उसमें थोड़ा सा वार्म टच है, थोड़ी सी थरथराहट होगी शायद, कुछ भी बोलना नहीं है, मुझे पता है क्या क्या है वो। आंखें बंद करके रखिए, मुंह बंद करके रखिए अपना। क्लोज योर आईज। मैं चेक कर रहा हूं सभी का, सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि नहीं। भाई उसके हाथ में क्या दिक्कत है? उसने सिर्फ 60 सेकेंड के लिए हम ये करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं टच में, शुरुआत में जो टच था उसके बाद 10 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद।
Are you stupid or what? Close your eyes. Okay, cool. Open your eyes now. नहीं, हम योगा नहीं कर रहे थे. मुझे आप जो बताइए, थोड़ी देर पहले आपने एक दूसरे को निचोड़ा था, खींचा था, धकेला था, तालियां पीटी थी, क्या वही टच सेंस अभी भी थे या आप एक दूसरे के और करीब हो रहे? एक टच के वजह से आप एक दूसरे के करीब जा रहे थे, हाँ या ना? अगर आपका टच आपकी कम्युनिकेशन की लेवल बढ़ा देता है तो सिर्फ टच करना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए टच का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आप चाहते हो अपने मम्मी पापा के साथ कम्युनिकेट करना या सिर्फ उसे दूर रहना चाहते हो? कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप जरा याद करके देखो, दिन भर में आप उनको कितनी बार टच करते हो, किस प्रकार से टच करते हो. हगिंग थेरेपी कहती है कि अगर आप मम्मी पापा को गले लगा लेते हो 20 सेकंड के लिए तो आपके तो बॉडी में इतने सारे हार्मोन चेंजेस होते ही है, लेकिन आप मुझे बताइए मम्मी पापा के बॉडी में कितने अच्छे पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे? क्या उनकी सेहत की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, डॉक्टर की है कि आपकी है? आपकी है. तो डॉक्टर काम करेगा 1%, और ये ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी, आपका टच, आपका स्माइल, आपका कम्युनिकेशन काम करेगा 92%. क्या लगता है, अच्छे डॉक्टर ढूंढने चाहिए या अपने रिश्तों के लिए खुद ही डॉक्टर बनना चाहिए? कितने लोग घर पे जाके आज मम्मी पापा को गले लगाएंगे? ओके, आपको गले तो लगाना है और उसके साथ मुझे रिश्ता पे आपका फोटो भेज देना है. हाँ, डॉक्टर संतोष कोराड़े इंस्टा पे सर्च करेंगे, आ जाएगा. मुझे आपकी फोटो चाहिए और आपका आपके मम्मी पापा का नाम भी चाहिए, मैं जो मेरे स्टेटस पे रखूंगा. बात यहाँ पे चल रही है कि हमारी एक्टिविटी कब शुरू होगी, जब हम किसी चीज पे फोकस करेंगे. पर हम ये एक्टिविटी और फोकस कब करेंगे, जब शर्म हया डर की दीवारों को लाग जाएंगे. यार अपने मम्मी पापा को गले लगाने के लिए, उनको चूमने के लिए, उनको टच करने के लिए कौन सी शर्म? आप जितने बड़े होते जाओगे उतना ये एहसास ज्यादा बढ़ता जाएगा, ना कि कम होता जाएगा. अब यहाँ पे बात चल रही है कि हम अगर ये नहीं करते तो होता क्या है, देखिए. अगर हम ये टच सेंस घर के रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों के साथ नहीं लेते तो ये तो इमोशन से ये तो बहती रहेगी. कहीं ना भूख लगी, आपको टिफिन नहीं मिला तो आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ना, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, इडली, डोसा, कुछ तो खाएंगे ना. क्योंकि क्यों, वो फिजिकल भूख है आपकी, वैसे ये इमोशनल भूख है टच से. अगर आपने अच्छा टच नहीं किया तो आप बुरे टच के लिए ढूंढते रहोगे. यार देखो कितना बुरा दिखता है यार, क्यों ये सब कुछ आ रहा है? अंदर का टच सेंस आपको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है. आप गलत बिल्कुल नहीं हो, आप गलत बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आपके ये फिलिंग की जो भूख है वो आपको पाने के लिए आप गलत कदम उठाने लगते हो. सही कदम उठाओगे तो इन गलत चीजों के बारे में सोचो ही मत. हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे किसी के साथ. यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये सब पढ़ाई करनी किसने चाहिए, कुणी करायला पाहिजे हा सगळा अभ्यास. आम्ही काय करतो, आम्ही आई वडिलांच्याकडनं अपेक्षा करतो, आई बाबांनी हा अभ्यास करायला पाहिजे. नोकियाचा मोबाईल जास्त हुशार की आयफोन? आयफोन. मग अभ्यास कुणी करायला पाहिजे? तुम्ही आयफोन इतकी नोकिया आहे आणि मम्मी पप्पा
आयफोन कसे असतील ते तर मागच्या जनरेशन मध्ये आयफोन झाले. आम्ही बरं मला सांगा 2022 चा आयफोन जास्त भारी की 2011 आणि मग तुमच्यापेक्षा भारी कोण, तुमच्या आई बाबांच्या पेक्षा भारी कोण, जास्त ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायला लागेल त्यांना कळणारच नाही. तुम्ही जेवढे जवळ जर कठे घबरे काम करू दे, पण कधी कधी आई भांडी हसत असेल ना तर तिथे जा आणि काहीतरी म्हण कुछ ना करो. हे जाते वेगळं आणि चालू करते पाणी 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 काय आई तर लोक नाही का. विषय समजून घ्या तुम्ही किती खराब आवाजात गाताय आणि किती चांगल्या आवाजात गाताय या गोष्टी मॅटर नाही करत. तुम्ही आई बाबांना पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हली कम्युनिकेट करण्यासाठी एक पाऊल उचलताय एवढ्यात त्यांचं समाधान असत. कधीतरी तिच्या चादरीची घडी घालून ठेवा, कधीतरी तिच्या पायाची मसाज करून द्या, कधीतरी तिच्या दिवसभरात दर 3 तासांनी तुमची हार्मोनल बॉडी चेंज होते. किती वेळाने? तुमची पण, तुमच्या आई वडिलांची पण आणि तुमच्या दुश्मनाची पण. जगातल्या प्रत्येक माणूस जर तुमचं कुणाशी भांडण झालं ना तर 3 तास त्याच्याशी बोलू नका, 3 तासांनी बोलायला लागला तो तुमच्याशी कनेक्ट होईल. पण 3 तासाच्या आतमध्ये जर त्याच्याशी पुन्हा बोलायला गेला तर सापड लावून देईल नको म्हणून का, कारण ही हार्मोनल बॉडी चेंज होण्यासाठी 3 तास लागतात. मी तुमच्याशी गप्पा मागतोय, तुम्ही नॉर्मल आहात की इमर्जन्सी आहात? आपला मेंदू ही हार्मोनल बॉडी चेंज करतो 2 पद्धतीने. मराठी समजते ना सगळ्यांना? थोडं मराठी बोलतो, पुन्हा हिंदी बोलतो. मराठी मी तुमच्याशी गप्पा मारतोय, नॉर्मल आहात की इमर्जन्सी आहात? मी मारलं नाही बरं मग अशी कुणाला इमर्जन्सी चालू करून त्या टाळ्या वाजवल्या तुम्हाला वाटावं मारलंय काय झालं. महत्वाची गोष्ट, मला राग येत नाही, मला राग येतात संगीतात ते महत्वाची गोष्ट. तुम्ही नॉर्मल आहात नक्की सगळेजण आणि त्या जिन्यावर वाघ आला इथे एक मध्ये मस्त काय वाटत तुम्ही नॉर्मल राहाल की इमर्जन्सी होईल नक्की? किती वेळ लागेल इमर्जन्सी चालू व्हायला? 1 सेकंड मध्ये होणार. आता 1 सेकंड मध्ये काम काय काय होतील बघा. तुमचे डोळे वाघाला बघतील, मग ते डोळे मेंदू कडे करंट पाठवतील की तुमची इमर्जन्सी चालू झाली पाहिजे. मग मेंदू कार्डिओ स्टेरॉइड एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन अशा हार्मोन्स पाठवून देईल, स्टेरॉइड पाठवून देईल, रक्तात मिक्स होतील, हात पाय कडक होतील, एकदम वाघाबरोबर फायटिंग होईल किंवा इतकं. दोन्ही गोष्टीसाठी इमर्जन्सी ऍक्टिव्ह झालीच पाहिजे. ती कुणाचा असं होईल वाघ आला असं होईल का कुणाचा? नाही. सो फ्लाईट ऑर फाईट दोन्ही गोष्टीसाठी इमर्जन्सी ऍक्टिव्ह झालीच पाहिजे. आता वाघाचा होता उपवासाचा, आज कुठला वार आहे? सोमवार. सोमवारी नॉनव्हेज नाही का उपवास म्हणतो. आज आम्ही काय कुणाला नॉनव्हेज खाणार आणि सर मागे बसले तुमचे काय नाव तुमचं? सर मागे बसले म्हणल्यावर वाघाची काय हिंमत लागली इकडे यायची? तो आला जिन्यात मधी तर त्यांचं परत निघून गेला किंवा इकडे चांगला सगळ्यांना हात जोडून गुड मॉर्निंग कसे आहात सगळेजण बरे सगळं बोलला आणि आला त्या दरवाजाने निघून गेला. आता वाघ निघून गेल्यानंतर तुम्ही नॉर्मल व्हायला पाहिजे हो की नाही? किती वेळात होणार? इमर्जन्सी चालू होताना किती वेळात झाली होती? मात्र 1 सेकंदात तुम्ही नॉर्मल होणार. घरी जाऊन मित्राला कुठल्या शेजारच्या धावण्यास आला होता कोणतरी आणि ना पहिला लेक्चर चालू होतो इमर्जन्सी एवढं चटणी पीठ लावून सांगायला लागणार ना. घरी जाऊन मम्मी पप्पाला मम्मी आम्ही असं असं केलं असं झालं असं काय इमर्जन्सी चालू होते आपली आपल्या वडील पण आपल्या हार्मोनल बॉडीला चेंज करत राहतात. काल काय झालं होतं, परवा काय झालं होतं, 10 वर्षांनी काय झालं होतं आपल्याला माहीत नसतं तरी हार्मोनल बॉडी चेंज होत राहतो. आता ही हार्मोनल बॉडी स्टेबल राहण्यासाठी नॉर्मल ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे की इमर्जन्सी मध्ये सगळं आयुष्य जगायला पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही क्वालिटी ऑफ लाईफ कधी जगाल? मेंदू नॉर्मल असताना की इमर्जन्सी असताना? आठवून बघा जरा.
तुम्ही नॉर्मल कधी कधी असता ते घरामध्ये नॉर्मल वातावरण कधी कधी असत. आजी आजोबा बोलत असत राहुलने त्याच्या बायकोच्या फोबाडीत मारलं कुठे टीव्ही मध्ये याची इमर्जन्सी झाली आता काय होणार आता काय होणार. बरं ते पण हुशार असतात टीव्ही वाले ते म्हणतात उद्या 8 वाजता बघा काय होणार ते. किती लोकांच्या घरात असे आजी आजोबा बघत असतात इमर्जन्सी चालू करून. बघितलं की नाही तुम्ही का बरं त्यांची इमर्जन्सी चालू होते कारण ते मेंदूने कशात तरी अडकलेले असतात भावनांनी कशात तरी अडकून पडलेले असतात. या भावना जोपर्यंत न्यूट्रलाइज होत नाही तोपर्यंत नॉर्मल कंडिशन येईल का. तुम्ही कधी 5 वर्षांचे होते का नक्की. चला 5 वर्षाच्या मुलाच्या घरी गणपती बाप्पा आला होता कसा दाखवे चेहऱ्यावर भाव व्यक्त भावना व्यक्त करायची आपल्याला या कोण करून दाखवणार. आमच्या घरी ना गणपती बाप्पा आला होता कोण करून दाखवणार या का नाही करू शकत तुम्ही भाव व्यक्त. कारण आम्ही भिंती बांधून घेतल्यात ना लाजेच्या शर्मेच्या भीतीच्या. लोक काय म्हणतील जगाला काय वाटेल मला हसतील की काय. आमच्या या भिंतीच्या मुळे आमच्या भावना व्यक्त होतच नाही आणि मग आम्ही काय करतो सगळ्या जगावर राग करायला सुरुवात करतो. हा माझ्या इमोशन्स कोणी समजतच नाही मेरी फिलिंग्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं है मेरी इमोशन को कौन समझेगा फिर हम गिराई ढूंढने लगते है. नहीं तो ना मैं त्याच्याशी बोललो ना कि माझ्या भावना व्यक्त होत नाही. नाही मी त्याच्या तिच्याशी बोललो ना सर तिचा फोटो बघितला तरी माझ्या इमोशन न्यूट्रलाइज होतात. अरे तुला माहिती तरी का घोड्या किती इमोशन येतात त्या डोक्यात. रोज 2,40,000 इमोशन रोज मेंदूत तयार होतात. किती आता या इमोशन तिने समजून घेतल्या तर तिच्या 2,50,000 कोण समजून घेईल. समजतंय का. बरं आपल्या भावनाच्या आतमध्ये तयार होतात. या भावना कशात जन्माला येतात विचारात. रोज प्रत्येकाचा मेंदू 60,000 विचार करतो. किती 60,000 थॉट्स पर डे 24 आवर्स. यातले किती पॉझिटिव्ह असतात आणि किती निगेटिव्ह असतात. जास्त पॉझिटिव्ह असतात की जास्त निगेटिव्ह असतात. जर मी बरेच लोकांना पॉझिटिव्ह राहायला पाहिजे हायवे क्रॉस करायचं म्हणून मी जाईन नसतो पलीकडे. पॉझिटिव्ह जाईल का पलीकडे डोंगराच्या कड्यावर उभं राहायचो तर मी पॉझिटिव्ह राहायचं मी तर जाईल पलीकडे ढेर टाकतो तरी नाही कुसळशील का. पॉझिटिव्हिटी निगेटिव्हिटी दोन्ही आयुष्यात महत्वाच्या गोष्टी आहेत. फक्त यांना वापरायचं कसं याचं स्किल शिकवायला पाहिजे मेंदूला. आणि हे मेंदूला स्किल कधी येईल जेव्हा मेंदूकडे चांगली स्पेस असेल. आणि स्पेस कधी असेल जेव्हा तो आपल्या 2,50,000 इमोशन रोज न्यूट्रलाइज करून जाते. आम्ही सकाळी शाळेत आल्यापासून कुठल्या तरी वेगळ्याच जगात. टीचर काय सांगते दोस्त काय सांगतात तिकडे कुठे लक्षच नाही. का तर आम्ही इमोशनल ट्रॉमा मध्ये अडकलो. संगीत तुमचे इमोशन न्यूट्रलाइज करू शकतं हो की नाही. एखादं गाणं लागतं बघा जेव्हा पिक्चर मध्ये हिरो हिरोला सोडून चाललाय आणि गाणं चालू आहे तुना जमे रे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तो आमचं पास सोडून चालते ठीक आहे आणि लोक एकदम नाही इन्वॉल्व होतो होत की नाही होत. बरं की मायनर एक बंदो हमें
से कुंडी नक्की तीनों को थोड़ा तैयार है मेरे को चलो आप एक दाहवा का मूल्य से हमारा ऊपर एंड दाहवा का मूल्य इसका प्रति मेरे अकाउंट में जितना रहा है दाहवा के लिए चिल्लाएंगे कूदेंगे किस वजह से क्योंकि वो खुश हो रहे हैं और उनके खुश होने की वजह कौन है तो हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए दूसरों की खुशी पे क्या आप लोगों को आया कितने पैसे खर्च हुए उसके लिए सिर्फ आपका एक कदम सब लोगों ने कहा कि नहीं वो भी पता कि मास्क लगे हुए हैं कितने लोगों को वर्ड भी लगवा रहा हूँ आप में काबिलियत कितनी है आपकी एबिलिटी कितनी है बाद में सबसे पहले आप करना चाहते हो कि नहीं अगर आते हो एक कदम उठाओ आपका फोकस बढ़ने लगता है तब कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है और ये कंसंट्रेशन पहले दिन पे ही 100% नहीं होता पहले दिन पे 60% होगा 70% होगा 80% होगा मैंने बताया आप जब सामने आए थे वहां पे बैठ के जब गाने गा रहे थे तब का कंसंट्रेशन और सामने आने के बाद का कंसंट्रेशन इसमें फर्क था या दोनों सेम थे फर्क था ज्यादा कौन सा आपका कंसंट्रेशन हो रहा था क्योंकि जब हम सामने आते हैं तो मैं कैसे का हूं सब लोग कौन से एंगल से देख रहे होंगे कैमरा में मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी मैं तो दुनिया भर की अलग ही सोची है पेट छुपा हूं प्रॉब्लम यह है हम हमारी सभी निगेटिविटी को हैंडल करना पड़ता है जब रिस्पॉन्स लेते हैं ये बात है कि स्ट्रेस है लेकिन कुर्सी से उठकर यहाँ तक आने में वो स्ट्रेस कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सक्सेस में ये हमें पता ही नहीं चलता आपको स्ट्रेस आता है इसके लिए आप पर एग्जाम देंगे नहीं चलेगा क्या स्ट्रेस किस लिए होता है आपकी स्ट्रेस के लिए आपका जितना स्ट्रेस लेगा उतनी ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा लेकिन स्ट्रेस से बचते फिरोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते तो स्ट्रेस की रेटिंग भी गलत होती जाएगी सक्सेस का रेशियो भी कम होता जाएगा यहाँ पे बात चल रही है ये बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं कुर्सी से उठकर यहाँ पर आने का ये बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं किसी को खुश करने की ये बच्चे अपनी दीवारों को तोड़ के एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं चाहे उन्होंने सही गाया या गलत गाया वो मायने नहीं रखता चाहे उन्होंने सुर में गाया या बेसुर गाया वो मायने नहीं रखता वो जैसा सोच रहे हैं अच्छा करने का वैसे ही एक्ट भी कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बिना काम की है जब तक आप प्रैक्टिकल वो पॉजिटिविटी यूज नहीं करते हाथ तो ऊपर गए थे सब लोगों ने लेकिन क्या सब लोग आ पाए ऊपर यहां पर तक तो यहां तक जो पहुंच पाए उनके लिए तालियां हमें बात चल रही है हम बोलते हैं सर गाना नहीं आता डांस नहीं आता सबके सामने कैसे आए कॉन्फिडेंस इंप्रेस ये सब झूठे वर्ड्स है हाँ लोगों के लिए सब कॉन्फिडेंस होना चाहिए झूठ वर्ड है किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाए देखो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको बाहर अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए ना तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं सर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है मैं कैसे करूं माँ के साथ लड़ते वक्त कहां से कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता सच सच बताओ आप हाँ ये बच्चे जो है ना झगड़ा करने के लिए यहाँ पे आ जाओ बेटा यहाँ पे आ जाओ ये तीन बच्चे हैं मेरे साथ इन दोनों का झगड़ा हो जाए तो इनका कॉन्फिडेंस कितना होगा और इनका कॉन्फिडेंस
लूज होगा। ओके अब इन दोनों का झगड़ा हो जाए, इन दोनों का झगड़ा हो जाए, फिर इनका कॉन्फिडेंस कहां पे चला गया है? समझिए, ये हम अपनी अपनी डेफिनेशन खुद बना लेते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं हूं, मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं। आदमी कोई खुदकुशी करने के लिए जाता है ना, सुसाइड करने के लिए, वो भी पॉजिटिव ही होता है, नहीं सर मेरी जीना ही नहीं चाहिए, मैंने तो अभी मरना ही चाहिए, तो क्या पॉजिटिविटी हो गई? कुणाचा खून करायला चाललेला असला ना तो पण पॉझिटिव्ह साला जेल मध्ये राहील पण त्याला फकूनच जाईल म्हणून। ये हमारी पॉजिटिविटी निगेटिविटी बहुत रंग बदलती रहती है। तुम्ही कुणातरी पेढा घेऊन जाता, म्हणता काका मी पास झालो, मला दहावीला चांगले मार्क्स मिळाले, काकाचा प्रश्न किती टक्के पडले, तुला काय करायचंय किती टक्के पडले ते, नाही पॉझिटिव्ह आहे त्याच्याबद्दल, अरे हो झाला त्याचा पेढा का सांगेल ना थोड्या वेळात तो, ते कसं पास झालंय त्याला त्याच्या बापाला माहिती, कसं ए टी के टी लागले आणि कसं शाळेमध्ये शिक्षकांनी कसं तरी भळभळे पास केले तर त्याला माहिती विचारायला। विषय काय आहे, जोपर्यंत तुम्ही एक क्रिएटिव्ह पाऊल, एक संवादशील पाऊल, एक संवेदनशील पाऊल उचलत नाही तोपर्यंत आनंद मिळत, आणि जर आनंद नसेल तर कॉन्सन्ट्रेशन होणार, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबात अभ्यासात नंतर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपली मैत्री मध्ये पण जर कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे तर तुम्हाला सगळ्यात आधी आनंदाची व्याख्या तपासून बघायला लागते। मला कशात आनंद वाटतो, पबजी खेळण्यात, मोबाईलवर टाइमपास करण्यात, टीचर्स कसं चुकीचे, त्यांच्यामध्ये काय व्यंग आहे, त्या कुठे बोबड बोलतात, कुठली स्पेलिंग चुकी, दुसऱ्याच्या चुका काढण्यात मला आनंद मिळतो, याचं तुम्ही ऐकून म्हणणार आहे, कारण हे माझे ऍप्लिकेशन येतात। जस्ट आस्क युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतःला विचारा की मला कशात आनंद मिळतोय, दिवसभर राहण्याबाबत करून मग कशात आनंद मिळतोय। तुमची आनंदाची व्याख्या जर क्लिअर झाली तर तुमचे मोटिवेशनल तुमचे तुम्हीच, तुम्हाला जगाची दुसऱ्याची गरज नाहीये, तुम्हाला फक्त समजलं पाहिजे मला कशात आहे। राम राम राबण्यात आनंद वाटतो, नाही शाळेत आलो करायला की यावर्षी अभ्यास करायचा मार्गाने पाहिजे, पुन्हा तो गेला की राम राम राबण्याचा स्किल आहे ना त्या डोक्यात, तीच कला आहे त्याच्याकडे, घरी गेला की तो नाही नाही जरा आईला मदत करायची, बाबांना ते राम राम राबण्याचं स्किल सतत चालू। एखाद्याच्या मध्ये गाण्याची स्किल असते, तुम्ही सगळेजण कधीतरी कुठेतरी फिरायला जाता तिकडे कुठेतरी गायता वर्गात तरी डोक्यात ते मायनेमी शिरा, अरे पाटले टीचर आता शिरा चालले तिथं, घरी जाऊ आई बिचारी जेवण आणून वाढते आणि हा जेवता मायनेमी शिरा, अभ्यासाला बघा तरी मायनेमी शिरा, झोपायला गेला तरी मायनेमी शिरा। विषय काय आहे, मेंदू आपला आपल्याला अननोनली अशा बऱ्याचशा गोष्टी करत असतो, आणि जर त्याला इमर्जन्सीची जर साथ मिळाली तर मेंदू चिंते भुगून जातो, भुडून जातो। आपल्याला करायचं काय आहे, या मेंदूला एक पॉझिटिव्ह ऍक्टिव्हिटी शिकवायचे, जसं सदर होऊन स्वतःच्या प्रगतीसाठी स्वतःच्या लिमिटेशनच्या बाहेर पोहोचण्यासाठी एक पाऊल उचलणं। आता हे लोक डान्स करत होते, डान्स सेट होता तुमचा, सेट होता का, मी आधी तुम्हाला भेटलो होतो का डान्स शिकवायला, मग का बरं कसं काय जमलं तुम्हाला सगळं करायला, यस कॉन्सन्ट्रेशन पण झालं करता करता हे सगळं झालं। मी ज्यावेळेला कलेमध्ये एखाद्या ऍक्टिव्हिटी एखादं गाणं म्हणायला लागता त्यावेळेला आपोआपच पॉझिटिव्ह आला, तुम्ही असं नाही माय असं नाही का, तुम्ही स्वतःचे सगळे पोटेन्शियल सगळे ऍप्लिकेशन युज करायचा प्रयत्न करता, म्हणून कलांचा वापर केला पाहिजे। कधी पण तुम्ही सगळेजण म्हणायला सुरुवात करा, एखादं गाणं कुठलं येतं तुम्हाला टेन्शन ती मेजर Thank you.
मी गायला की लगेच पुढची ओळ मला गावीशी वाटली अशी गाण्याला सगळ्या असायचा बघा त्याला गाता येईल येणार कारण तुला जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत जेवढे आजार होतात त्याचे 99% सायकोसोमॅटिक ऑर्डर असतात ताप थंडी खोकल्यापासून डायबिटीज हायपर टेन्शन पॅरालिसिस कॅन्सर डिप्रेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव जनरलाइज्ड एन्झाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशन सगळे आजार हे सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर आहेत तर इलाज कुणाला द्यायला पाहिजे शरीराला नक्की संगीताच्या माध्यमातून हे इलाज देता येतील का याला तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवायचंय कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचंय आता हे फक्त गाणं तुम्ही गात होते की ते सारे जहाँ से उंचा हिमालय दिसायला लागला कारण तुमचा क्रिएटिव्हिटी होय क्रिएटिव्हिटी एक्सरसाइज संगीत आपोआप देतय हे समजतोय का सगळ्यांना हे लोक ज्यावेळेला इथे येऊन गाणं म्हणायला सुरुवात करतात ना ज्याला त्यांना एवढं करायचं होतं एक पाऊल उचलायचं होतं जर मी भजन घेतलं ना विठ्ठल 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 ते जर मी सांगितलं सात मी जर गाणं बोललं असतं क्योंकि तुम भी हो मेरी जिंदगी गाणं तेच पण हे चर्चा रंग बदलायला लागतोय आपण त्याचे डेमो घेऊ सगळेजण एक लाईन थोडस उभेरा Keep up.
म्यूजिक के माध्यम से क्या आपको रेस्ट मिल सकता है?
क्या म्यूजिक के माध्यम से आपको चेंज मिलता है? क्या म्यूजिक के माध्यम से आपको एनर्जी मिल सकती है? तो संगीत भी आपकी औषध बन जाएगी। जरूरी है इस सब्जेक्ट को थोड़े अलग अंदाज से देखते हैं और खुद के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। माझा प्रोजेक्ट आहे जीवन संगीत। तुमचं सगळ्यांचं जीवन सेम आहे का? मग सगळ्यांचं संगीत सेम असेल का? तुमच्यापैकी किती लोक संगीत ऐकतात? ओके, तुमच्यापैकी किती लोक त्रिवट ऐकतात? संगीत ऐकता ना, मग त्रिवट किती लोक ऐकतात? ओके, चतुरंग कितने लोक सुनते हैं? ओके, धमार कितने लोक सुनते हैं? धमार क्या होता है? धमार भाई साहब पूछिए, बताइए। हाँ, आपने हाथ ऊपर किया था ना। ओके, तप्पा, तप्पा कितने लोग सुनते हैं? भोरी, चैती, कजरी। आम्ही आमची आमची व्याख्या करून घेतली, आम्हाला वाटतं संगीत ऐकायला येतं। पिक्चरची गाणी ऐकणं म्हणजे संगीत, हे तुम्हाला सांगितलं तुम्ही? जर 5,000 वर्ष एखाद्या विषयावर रिसर्च झालाय तर ती फक्त पिक्चरची गाणी बनवण्यासाठी संगीत बनलं असेल का? तुम्ही न्यूज चॅनल बघता ना, तर त्याच्या मागे पण म्युझिक चालू असतं। अगदी चड्डी बनी यांची ऍडव्हर्टाईज चालू असेल ना, तर तिथे पण मागे म्युझिकच चालू असतं। खरे की खोटे? का म्युझिक बनलं जातं? कारण म्युझिकमुळे लोकांचा ऍक्सेप्टन्स वाढतो आणि लोकांचा ऍक्सेप्टन्स वाढला की ते काहीही विकत घेऊ शकतात। तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला नाती बनवण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी, संकटांना सामोरं जाण्यासाठी ऍक्सेप्टन्स महत्वाचा आहे की नाही? एखादी गोष्ट ऍक्सेप्टच नाही केली तर आपल्या एक्सपेक्टेशन वाढत जातात, आणि म्हणून आपला ऍक्सेप्टन्स जर म्युझिकच्या माध्यमातून वाढतोय तर ऍक्सेप्टन्स वाढवण्यासाठी संगीत ऐकायला पाहिजे। आपण ऐकू शकतो का? आपण ऐकू शकतो का? चलो, मी एक 2 मिनिटात चेक करतो आपण किती लोक ऐकू शकतो। आधी या सगळ्यांसाठी टाळ्या वाजवूया। वय वाढत जातो तसं ऍक्सेप्टन्स कमी होत जातो की वाढत जातो?
तर आपल्याला जग समजेल आणि आणखी चांगलं काम करता येईल. आम्ही जर जसे आठवीतनं नववीत नववीत दहावीत दहावीत अकरावी बारावी जर जसे वरती चाललो आहे तस तसं आमचा ऍक्सेप्टन्स कमी होत चालला आहे. माहिती मला बोलत काय सांगायचं मम्मी आप बोलोय मग तुझे पता आहे काय करणार. पप्पा तुम्ही कशाला मध्ये मध्ये करता मला माहिती आहे का तुम्ही माझ्या वर्गात आले का बघायला काय झालं. आम्हाला हे कळायला पाहिजे की आम्ही जर समोरच्याची बाजू समजून घेतली नाही ऍक्सेप्ट केली नाही तर आम्हाला खरं जग कळणार नाही. म्हणतात की तुम्हाला एकाच अँगलने जग दिसत राहतो. तुम्ही बरोबर म्हणजे समोरचा चुकीचाच असायला पाहिजे का. एका वेळेला दोन्ही बाजू बरोबर नसू शकतात का. एका वेळेला 200 बाजू नसू शकतात का बरोबर. आणखी सोपं करून सांगतो. माझ्या छातीत गोळी लागली. आनंदाची गोष्ट आहे की दुःखाची गोष्ट आहे. ज्यांना भूक लागली तर तुम्ही बरं होईल काय नाही ना सर. एक 5 मिनिटं एक्स्ट्रा घेतो. छातीत गोळी लागली आहे दुःखाची गोष्ट आहे पण छातीत गोळी खाऊन मी देशासाठी शहीद झालो मग लगेच चांगली आनंदाची गोष्ट झाली. विषय समजून घ्या. मी जर गायले एखादं गाणं ना Thank you.
आता सगळ्याच गाण्यांना मस्त पैकी एन्जॉय करतात. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर स्वरात काही जे नाही स्वरचे पण ते प्रत्येक वेळा तुम्हाला वेगवेगळ्या करतात वेगवेगळा ऍक्सेप्टन्स देत आहेत. स्वतःच्या इमोशनवर त्यांचा कंट्रोलच राहत नाही.
पटकन एखाद म्हणून स्वभाव चांगला होतो, पटकन एखादा म्हणून खराब होऊन जातो. त्याची इच्छा असो किंवा नसल्याकडे एखादा लहान बाळ कसं तोंडात तोड लागतो, आपण पटकन तो सांगितलं नको करू तो तोडत बसतो घोड्यामध्ये पूर्ण तोंडात झाला. का? कारण निसर्ग त्याच्याकडनं करून घेतोय. आपले आई बाबा का वैतागतात, का एकच गोष्ट परत परत सांगायला उशिरी म्हणतात, ऑब्सेसिव कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. एकदा सांगितलं जीवन वाढलं ते पुन्हा चार वेळा सांगणार, आणि तिने चार वेळा सांगितलं की आपल्या तळपायाची आग आपल्याला लगेच राग यायला लागतो. नॅचरल गोष्ट समजून घ्या की त्यांच्या हार्मोनल बॉडीवर त्यांचा कंट्रोल उरलेला, ते ऑलरेडी खूप जास्त सफर करतायत, आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही आणखी त्यांच्यावर वैतागणार असाल, सारख्या सारख्या शिव्या देणार असाल, रुसून राहणार असाल, हट्ट करणार असाल, तर याच्यात त्यांचं आरोग्य सुधारायचं आहे का? आम्ही म्हणतो त्यांनी पण आमची बाबतीत समजून घ्यायला पाहिजे. आता वय वाढत जातं तसं तसं त्यांचा ऍक्सेप्टन्स जर कमी होत गेला असेल, त्यांना कोणी जर सांगितलंच नसेल हे, तर त्यांचा ऍक्सेप्टन्स कितीसा असणार? आता त्यांना मनात घेण्यासाठी, त्यांना समजून घेण्यासाठी आमचा ऍक्सेप्टन्स हाय पाहिजे ना. जेव्हा लहान होतो आपण अंथरुणात शी सू करायचो, तेव्हा आई बाबा भटके द्यायचे का आपल्याला अंथरुणात शी केली म्हणून? बघा लहान बाळ असं पाळण्यामध्ये सू करतो तर घरात देऊन काठीने मारतो का त्यांना? नाही का? कारण त्यांना माहितीये ही नॅचरल गोष्ट आहे, त्याच्याकडनं होतंय. तुमचे आई बाबा पण एक दिवस म्हातारे होणार आहे, एक दिवस अंथरुणात शी सू करायची वेळ आहे. कुठल्याही हॉस्पिटलला जा, 70% पेक्षा जास्त लोक मरताना अंथरुणात शी सू करत असतात. का? तर त्यांच्या मेंदूचा जो भाग आहे त्याला आपण फ्रंटल लोब आणि हा संपूर्ण मेंदू जो आहे ना, तो दिवसेंदिवस डीऍक्टिवेट होत जातो. वयाच्या 35 नंतर डी जनरेशनचा फॉर्म्युला सुरू होतो आणि लोक हळूहळू त्यांचा ऍक्सेप्टन्स कमी होत जातो, त्यांची विचार करण्याची उत्साह, त्यांचा आनंद कमी होत जातो, छोट्या छोट्या गोष्टींचं टेन्शन घेत बसतात, आणि मग मेंदू डीऍक्टिवेट व्हायला लागला की हळूहळू वया अंतर वाढायला लागलं की हरण पुतळं पण सगळं हातात चालू होतं. छोट्या छोट्या गोष्टी विसरणं, छोट्या छोट्या गोष्टींनी वैतागणं, हे सगळं चालू होत जात. तुमच्या खाण्यापासून जाण्यापर्यंत सगळं करतो कंट्रोल मेंदू. आणि या मेंदूला जर वयाच्या 35 पासून अशी सगळी गळती लागलेली असेल, तर एक दिवस पुन्हा तसं बालपण नाही येणार का? अंतरुणात झोपून सगळं करायचं? कोणी मुद्दाम असा आजार मागून घेतं का? पण हल्ली कुठल्याही आजाराचं परिवर्तन याच्यातच होतं. कुठलाही आजार असू देत, हार्ट अटॅक, डायबिटीस, हायपरटेन्शन, काही असो, पॅरालिसिस, दरवर्षी 14 लाख पेशंट भारतात तयार होतात, सुशिक्षित लोक. आणि हे सगळं का होतंय? कारण ओव्हर स्ट्रेस त्यांच्या मेंदूवर त्यांचा कंट्रोल नाहीये, आणि मेंदूची झीज होतीये ती थांबू शकत नाहीये. आता आपल्या आई वडिलांच्या मेंदूची जर झीज होत असेल आणि त्यांना दिवसेंदिवस भरपूर स्ट्रेस असेल, तर त्यांच्या आयुष्यामध्ये एक छोटस औषध तुम्ही ऍड करू शकता का? तुमची इच्छा असेल तर ते लगेच औषध मी सांगतो तुम्हाला. तुम्ही तुमच्या आई वडिलांसाठी एक औषध बनवू शकता का? ओके. सो दर 3 तासांनी आपली हार्मोनल बॉडी चेंज होत असते, आणि त्याच्यानंतर जर मेंदूला रिफ्रेशमेंट मिळाली नाही, तर ही हाच मेंदू झिजायला सुरुवात होते. आणि म्हणून सगळ्या मोठमोठ्या कंपन्यांच्या पण हल्ली पॉवर नॅप असतो. काय असतो? की त्या पॉवर नॅप मध्ये मेंदू रिफ्रेश होईल आणि पुढचे 3 तास आणखी चांगलं काम करेल. तुमचा सकाळचा आणि दुपारचा मूड सेम असतो? दुपारचा आणि संध्याकाळचा मूड? मग आई बाबांचा सेम असेल का? मग आई बाबांना जर 3 तासांनी भूक लागते मेंदूला, इमोशनली त्यांना भूक लागते, त्यांच्या 2.5 लाख भावना तर उत्तरच पूर्णच आहे, त्यांच्या भावना समजायला पण कोणी तयार नाहीये. मग आम्ही अशी एखादी ऍक्टिव्हिटी करू शकतो का की ज्याच्यात त्यांना रेस्ट, चेंज आणि एनर्जी मिळेल? कुठलीही ऍक्टिव्हिटी असेल, अगदी त्यांचं डोकं मांडीवर ठेवून झोपायला सांगा त्यांना तरी त्यांना बरं वाटेल, किंवा तुम्ही त्यांच्या मांडीवर डोकं ठेवून झोपा तरी त्यांना बरंच वाटेल, ती त्रास होईल. कधीतरी आई बाबा बाहेर आल्यानंतर गाड्यात पडून त्यांना मस्त पैकी घट्ट मिठी मारा. काय वाटतं तुम्हाला, त्यांना पॉझिटिव्ह हार्मोनल चेंजेस मिळतील की निगेटिव्ह? आणि तुम्हाला कधीतरी आई झोपत असताना एखादं गाणं म्हणून दाखवा की निमोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोप लागला. या आजच्या आठवणी पुढे जाऊन तुमच्यासाठी औषध नाही बनू शकत का? जेव्हा तुम्ही मोठे व्हाल, निशा फेकतील, दाढे फेकतील, दोन दोन पोर होतील तुम्हाला,
किती वेळ डोळ्यातून आत बसशील आपलं मन आपणच आत बसशील. मोकळा वारा यायलाच हवा, मोकळा श्वास घ्यायलाच हवा. फुलं जशी असतात तसे काटे असतात, सरळ मार्ग असतो तसे फाटे असतात. गाणाऱ्या मैना असतात, पांढरे शुभ्र बगळे असतात, कधी कधी काळे कावळे देखील असतात. कावळ्याचे लवकर पक्के असतील, त्यांचे आपल्या घरट्याला धक्केही बसतील, पण जीवताही तरी सुद्धा जगात वावरावंच लागतं. आपलं मन आपणच सावरावं लागतं. सगळं कसं होणार आपल्या मनासारखं, आपलंही आपल्याला होणार असतं पारख. मोर सुंदर नाचतो म्हणून आपण का सुंदर बसायचं, कोकिळ सुंदर गातो म्हणून आपण का खिन्न व्हायचं. तुलना करीत बसायचं नसतं ग, प्रत्येकाचं वेगळेपण असत. प्रत्येकाच्या आत फुलणारे फुल आहे, प्रत्येकाच्या आत खेळणारे मुल आहे. फुलणाऱ्या त्या फुलासाठी, खेळणाऱ्या त्या मुलासाठी दारुगड दारुगड, चिमटाई चिमटाई दारुगड. निराशेच्या पोकळीत काही सुद्धा घडणार नाही, तुमचं दार बंद म्हणून कुणाचंही अडणार नाही. पहाटेच्या रंगात तुझं घरटं झालं, तुला सोबत फुलपा फुल नाचतही आलं, पण जीवताई तुला कळलंच नाही. आपलं दार बंद होत, डोळे असून अंध होत, बंद घरात बसून कस चालेल, जगावरती रुसून कस चालेल. दारू घड दारू घड, चिवताई चिवताई दारू घड. आपला दरवाजा कुणी उघडायचा? नक्की संगीत तुम्हाला हा दरवाजा उघडायला मदत करेल. ज्यांना असं वाटतं त्याचा आवाज नाही चांगला गाता नाही, त्याला लगेच जादू करून देतो. आणि म्हणून भावना व्यक्त करण्यासाठी संगीत साहित्य आणि कलांचा उपयोग करा.
चित्राच्या माध्यमातून व्यक्त व्हा, संगीताच्या माध्यमातून व्यक्त व्हा। जर भावना व्यक्त करता आल्या ना तर भावनिक निचरा होईल, मन शांत होईल आणि एकदा मन प्रसन्न झालं की तुम्ही काही करू शकाल। गरज आहे आपण कलांच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघायची। याच्या पुढे ज्या ज्या वेळेला संगीत ऐकाल त्या त्या वेळेला हा ढापण्या डॉक्टर आठवेल ना सगळ्यांना? काय आठवेल? ढापण आठवेल की मी सांगितलेले विचार आठवतील? ओके, चला आपण एक पाऊल पुढे उचलण्यात सांगितलंय। मी जे काही लेक्चर दिले ते तुम्हाला आवडलं का? त्याच्यातून तुम्हाला काय फायदा होईल, काय शिकायला मिळालं, एक 3 ते 4 ओळींमध्ये मला सांगायचंय। ओके, बघूया किती लोक पॉझिटिव्ह आहेत आणि किती लोक एक पाऊल पुढे सांगायचा प्रयत्न करतात। मेरे साथीदार जो है, मेरे आर्टिस्ट है, उनके लिए भी तालियां बजाएंगे।
दोस्ती में इतना नहीं कर सकते आप लोग। चाहिए तो व्हाट्सएप पे भेजिए, चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे भेजिए। व्हाट्सएप पे भेजने पे नंबर नोट कर लीजिए, पे है क्या किसके पास? नंबर नोट कर दीजिए 83810 83810 192 59। यानी आसान है, इंस्टा पे जाइए, डॉक्टर संतोष बोराडे टाइप कीजिए, नंबर सब मिल जाएगा। या फिर प्रीति चौधरी करके आप इंस्टा पे उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर नरेंद्र भोगे को फॉलो कर सकते हैं, हम तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको भेजना है, आपकी एक फोटो भेजनी है और एक वीडियो भेजना है, और आपका नाम अगर नीचे टाइप करके भेजेंगे तो हमें वो शेयर करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस भेजेगी जरूर फोटो वीडियो। एक छोटी सी फरमाइश है, उतनी गा लेता हूँ और प्रोग्राम का एंड करता हूँ। Thank you.
pushpa. Do you agree with that? Yes! One round of claps for the team. Is easy, is very easy, but it's also very difficult to take that first step. Going home and when you're back to route to your parents for many days now, some of you for many years now, going and hugging them, okay, going and touching them is difficult, right? But let me tell you, the right moment to do it is now. The right moment to do it is today. Because if you don't do it and you let the time pass, you won't get that time back again. So, the right moment to do it is now. The right moment to do it is today. Go home, feel the difference, and let your family be one again. Let your family be good again, and let you have the best of life henceforth. Thank you, sir, for coming. It is a pleasure, and the people who are here for the second time would also understand that it was different from the last time, right? Yes. So, it's not cut and paste. Fine. So, thank you, sir. Thank you once again. And I think now we can all stand up and by a line go to your classes. Okay?